Those mistakes, maybe once or twice. If I went to twice, I mean one times. ओके सो पहले आ जाओ अपने कैपकट के एप्लीकेशन में, उसके बाद अपने वीडियो क्लिप्स को कुछ इस तरह से ऐड करना। बाकी पे मैंने पहले से सब कुछ ऐड कर लिया है टोटल वीडियो क्लिप। बाकी अगर हम यहाँ पे वीडियो क्लिप्स का बात करें तो हमें टोटल 17 क्लिप्स है, जिसमें से जो फर्स्ट क्लिप है इसका लेंथ 1.1 सेकेंड एंड बाकी यहाँ पर जो 15 क्लिप्स बचा फर्स्ट क्लिप के बाद 15 क्लिप्स, सबका जो लेंथ है 0.6 सेकेंड है, 0.6 सेकेंड सबका लेंथ। उसके बाद आपका जो लास्ट क्लिप रहेगा ना उसका लेंथ आपको 2.5 सेकेंड, आप इसे बढ़ा भी सकते हो 2.3 सेकेंड तक कर सकते हो। ओके तो बाकी हमारा टोटल 17 क्लिप्स हो गया। उसके बाद गाइस अभी आपको यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, तो सिंपली आ जाओ सेकेंड वाले क्लिप पे, मतलब कि फर्स्ट क्लिप को छोड़ के सेकेंड क्लिप में आना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना वीडियो क्लिप पे और स्टार्टिंग और लास्ट में आपको यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट में और एक लास्ट पॉइंट में। और इस तरह का आपको यहाँ पे हर क्लिप में करना, क्लिप नंबर वन में नहीं, यहाँ पे जितना भी क्लिप है टोटल सब क्लिप है ऐसे करना। ओके सो इस तरह से की फ्रेम ऐड करने के बाद फिर से आ जाना यहाँ पे स्टार्टिंग में गाइस सेकंड वाले क्लिप में, सिंपली यहाँ पे आ जाना। उसके बाद अभी आपका पे जूम इन जूम आउट करना है, कैसे करना है यहाँ पे देखो, जो आपका दो की फ्रेम होगा ना उसमें से आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना सेकंड वाले की फ्रेम में एंड इसको जूम करना अप्रॉक्स इतना, फिर से यहाँ पे क्लिक करना थर्ड क्लिप में एंड आ जाना पे सेकंड की फ्रेम में, हल्का सा जूम करना। तो इस तरह से आपका टोटल ना कम से कम 5 क्लिप में ऐसा करना है, 5 या फिर 6 क्लिप में ऐसा करना है। उसके बाद आ जाना क्लिप नंबर 89 में गाइज, और यहाँ पे आने के बाद अभी आपका यहाँ पे उल्टा करना है, कैसे करना है पे देखो, सिंपली आ जाना फर्स्ट वाले की फ्रेम में, उसके बाद आपको यहाँ पे जूम करना। ओके इसके बाद यहाँ पे जितना भी क्लिप है सब में आपको आ जाना फर्स्ट वाले की फ्रेम में एंड हल्का हल्का जूम करना। उसके बाद आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखेगा स्टार्टिंग से भाई को बैट क्लेम आ जाएगा। सॉन्ग को म्यूट करते हैं, बाकी देखो यहाँ पे। ओके सो कुछ इस तरह से आपका बस हो जाएगा जूम इन जूम आउट। उसके बाद सिंपली आ जाना पूरा स्टार्टिंग में गाइस और यहाँ पे क्लिक करना इफेक्ट में, और इफेक्ट में क्लिक करने के बाद क्लिक करना वीडियो इफेक्ट में और सिंपली आ जाना यहाँ पे लेंस में गाइस, और लेंस में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करना HDR2, इसमें क्लिक करना। उसके बाद हमें डबल टैप करके सिंपली इसको एडजस्ट करना, तो ग्लो को रखना है अप्रॉक्स 60। ओके बाकी यहाँ पे रेंज को है, रेंज को रखना है यहाँ पर 30-32 अप्रॉक्स। उसके बाद इसका जो तो साइज है, साइज को रखना है अप्रॉक्स 65। बाकी इसका जो तो सरपेन है, सरपेन का आप लोग रख भी सकते हो या फिर नहीं भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे हल्का रख रहा हूँ अप्रॉक्स 5-10 इतना सही है। उसके बाद इसका जो एटमॉस्फेयर है उसको रखना है अप्रॉक्स 90। बाकी इसका जो ब्लर पार्ट है ब्लर को रखना है अप्रॉक्स 70। ओके एंड स्पीड को अप्रॉक्स 40 इतना। बाकी सिंपली इसको हम डन करते हैं, उसके बाद इसे पूरा घींच के इन तक कर देना, बट इसको फर्स्ट वाले क्लिप में मत रखना, सिंपली यहाँ पे इसको हम आएंगे और फर्स्ट नहीं सेकंड क्लिप से स्टार्ट करेंगे। ओके उसके बाद सिंपली आप चलते गाइस और अब यहाँ पे ऐड करने वाले हैं ट्रांजिशन, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना किसी भी ट्रांजिशन में। उसके बाद आ जाना सिंपली ब्लर में गाइस, और ब्लर में आने के बाद आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है वर्टिकल ब्लर का एंड सेकेंड है ऑब्लिक ब्लर, ये ब्लर या फिर ये ब्लर। ओह किधर गया भाई ये ब्लर, दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हो, दोनों परफेक्ट है, बट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ऑब्लिक ब्लर, ये वाला है ब्लर। बाकी इसको हम फुल करके, फुल नहीं कम ही करते हैं यार, अप्रॉक्स 0.2 सेकेंड। उसके बाद हम पे क्लिक करना अप्लाई टू ऑल एंड देन डन। उसके बाद आना सिंपली लास्ट वाले क्लिप में गाइस, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना इस वाले क्लिप में, उसके बाद क्लिक करना एनिमेशन में, उसके बाद सिंपली आउट में आ जाना, और आउट में आने के बाद आपका पे ऐड करना है फेड आउट, तो सिंपली इसको हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना फेड आउट में एंड इसको इतना रखना अप्रॉक्स इतना एंड डन। बाकी आपका आपका जहाँ पे एंड है इस वीडियो का काफ़ी अच्छा लगेगा, तो पहले हम इसको हम जीरो करते हैं साउंड को, और अभी आपको दिखाते हैं गाइस कि फाइनली हमारा जो बन गया कैसा निकला है। तो 1 2 3 एंड स्टार्ट, यहाँ पे लैग कर रहा है, तो पहले हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, इतना सही है एंड इसका एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके सो आप देखते गाइस कि कैसा बना हमारा वीडियो, तो सिंपली इसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी हाँ मैंने यहाँ पर सॉन्ग को म्यूट कर दिया, तो आप लोग भी सॉन्ग को चालू करके देखना, बाकी बहुत ही मस्त बना है। बाकी गाइस यहाँ पे जो भी क्लिप यूज हुआ उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो भी यहाँ पे सॉन्ग यूज हुआ उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी गाइस अगर आपको इसको हाई क्वालिटी में करना है 4K क्वालिटी में, तो प्लीज़ यार इस वाले वीडियो को देखना ताकि आप लोग भी हाई क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे।